सोभागपुर उपार्जन केंद्र में फर्जी दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने केंद्र प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और तुलावटी पर केस दर्ज किया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। सोभागपुर उपार्जन केंद्र में 1168 क्विंटल गेहूं की फर्जी बिल तैयार करके 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और सहकारिता उपायुक्त बीएल यादव की शिकायत पर पुलिस ने केंद्र प्रभारी महेंद्र शर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर पवन राजपूत और तुलावटी प्रियांशु ठाकुर को आरोपी बनाते हुए विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। नरसिंहगढ़ थाना प्रभारी रविंद्र चावरिया ने कहा कि धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शासन के जो गेहूं खरीदनी योजना है उसके अंतर्गत सोभापुरम में केंद्र बना हुआ है, जहाँ के प्रभारी जो है महन कुमार है, केंद्र प्रभारी, वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, तलावटी भी है। इन लोगों ने मिलकर के जो समर्थन मूल्य का भाव से फर्जी वाड़ा करके 1167 क्विंटल गेहूं का धोखाधड़ी करके 23 लाख की जो है धोखाधड़ी इनके द्वारा की गई है। जाँच पे पाया गया था इनका विपणन वालों द्वारा और एक्सल साहब के द्वारा जाँच की गई थी। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हमारे द्वारा शीघ्र ही अपराध दर्ज करके विवेचना में दिया गया है। देखा जाए तो 23 लाख की इस धोखाधड़ी के मामले की चर्चा पूरे नरसिंहगढ़ में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नरसिंहगढ़।